दिवाली पर सूर्य ग्रहण का अड़ंगा। क्या ग्रहण के साए में मनाई जाएगी दिवाली? कितनी खुशियों भरी रहेगी दिवाली? धन धान्य में होगी कितनी बरकत? दिवाली में होगा किनका भाग्योदय? इस दिवाली काम कारोबार कैसा चलेगा? इस दिवाली से अगली दिवाली तक क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार के वीआईपी घाट से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का हरिद्वार से हार्दिक अभिनंदन और दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई। और ये दिवाली आपके लिए बहुत ही शानदार मंगलमय रहे, ऐसी प्रभु से मेरी मंगल कामना है। बिल्कुल, इस बार की दिवाली कर्क राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए कैसी रहने वाली है? जी हाँ, दिवाली के इर्द गिर्द पड़ रहा साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण क्या आपको भी प्रभावित करेगा? क्या आपकी दिवाली पर इसकी छाया पड़ सकती है? इसके साथ ही साथ हम आपको आज बताएंगे कि इस बार की दिवाली आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। खासतौर पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए, व्यापारिक वर्ग के लिए ये दिवाली क्यों है सबसे ज़्यादा खास? इस दिवाली आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके धन धान्य में भी बढ़ोतरी हो सके? कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये दिवाली क्या कुछ लेकर आ रही है, आइए मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले मयंक जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, दिवाली के मौके पर पड़ रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, हालांकि आंशिक सूर्य ग्रहण है, भारत में दिखाई नहीं देगा, बाकी देशों में दिखाई देगा, लेकिन क्या सूर्य ग्रहण की छाया दिवाली पर पड़ेगी, ये सब जानना चाहते हैं। पहले आप ये क्लियर कीजिए। देखिए, लोगों के मन में बड़ी भ्रांति है और लोगों के मन में डर का साया भी है। मेरे पास पिछले 15 दिनों से फोन आ रहे हैं कविता जी, और लोग कह रहे हैं सर दिवाली है, ग्रहण के साए में रहेगी, कोई अशुभ घटना तो नहीं होगी हमारे साथ, कोई बड़ी विपत्ति परेशानी तो नहीं दिवाली पे आएगी? क्योंकि दीपावली पर्व लोग ना एक पॉजिटिविटी को मान के चलते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर्व माँ लक्ष्मी की आराधना करें और लक्ष्मी हमारे घर पे आए और ग्रहण पड़ रहा है तो क्या कुछ अशुभ परिणाम तो नहीं होंगे। तो उसी के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर 12 राशि की वीडियो बनाऊँगा और सभी राशिवार बताऊँगा कि क्या सावधानियाँ रखनी होंगी। ये ग्रहण जरूर पड़ रहा है 25 अक्टूबर को, लेकिन ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और भारत के सभी हिस्सों में नहीं दिखेगा, कुछ हिस्सों में भारत के दिखेगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव 10-15-20% रहता है। वो कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वो बरतेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और किसी तरह की कोई चिंताजनक बात भी नहीं है। चलिए मैं जी, ये तो आपने बताया कि भाई ग्रहण पे मतलब दिवाली पे पड़ रहे ग्रहण से तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर ना ही पूजा पर पड़ेगा और ना ही लोगों पर दिवाली पर पड़ने वाला है। देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण है, सूतक काल भी होगा, जैसे ग्रहण का स्पर्श काल 2:32 दोपहर से होगा। जब जब ग्रहण जो है दोपहर बाद पड़ता है तो उसका असर जो है कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि भारत में कुछ हिस्सों में दिखेगा तो इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य है, जो कि 24 तारीख की रात को 2:29 से लगेगा 12 घंटे पहले। लेकिन फिर भी इस ग्रहण से डरिए मत, घबराइए मत, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है आपको। चलिए आइए अब बारी हो जाइए जानने के लिए कि इस दिवाली आपके ग्रह नक्षत्र कैसे बदल रहे हैं, ये भी मयंक जी से जान लेते हैं, बताइए। देखिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए क्या दिखाई दे रही है ये हम आपको बताते हैं। कर्क राशि वालों, पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, दीपावली पर तीसरे भाव में बुध रहेंगे, चतुर्थ भाव में सूर्य शुक्र चंद्रमा और केतु की युति रहेगी, चतुर्ग्रही योग बन रहा है, पंचम भाव खाली है, छठा भाव खाली है, सप्तम भाव में आपके शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में बृहस्पति है, दशम में राहु, एकादश में कोई ग्रह नहीं और 12वें भाव में आपका मंगल है। तो ये ग्रह स्थिति आपकी दीपावली पर्व पर पड़ रही है। अगर इसमें देखें तो चंद्रमा की स्थिति, गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, बुध की स्थिति आपकी बहुत बलवान है, जो संकेत दे रहा है कि ये दीपावली का पर्व जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और दीपावली के बाद से आपके जीवन में कहना चाहिए खुशियों का संचार शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से दिवाली के पर्व से ही इनके जीवन में खुशियों का संचार, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन क्या ये खुशियाँ व्यापारी वर्ग को, नौकरी पेशा वाले लोगों को मिलेंगी? देखिए, दशम भाव में राहु है और गोचर पर दशम भाव में राहु हो तो हम कहते हैं कि व्यक्ति को तरक्की दिलाता है और तरक्की दूर दूर तक दिलाता है, यानी कि जो व्यापारी कोशिश कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने की, या जो ऑलरेडी करते हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। अब देखिए, भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं तो भाग्य वृद्धि के संकेत बहुत बढ़िया है, सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, यहाँ शनि बैठे हैं, व्यापार को बढ़ा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आपका केंद्र में शुक्र बैठे हैं स्वराशि के, बहुत अच्छा है,
सूर्य भले नीच के पर नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है जी, सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ रही है सब दशम भाव पर, तो ये कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रही है। व्यापारियों को देखिए ग्यारह नक्षत्र परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है और व्यापारियों को ज्यादा लाभ मिलता है, तो संकेत ये मिल रहे हैं आपका काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा, अगर आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और आने वाले समय में दीपावली पर्व के बाद आपके प्रमोशन की भी संभावनाएं बनेंगी। चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी आर्थिक पक्ष इनका क्या कहता है इस दिवाली से, इनके धन धान्य में मतलब बैंक बैलेंस कितना बढ़ने वाला है, माँ लक्ष्मी की कृपा इन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी? देखिए आर्थिक पक्ष इनका बहुत बढ़िया रहेगा। क्यों बढ़िया रहेगा? केंद्र में इनके शुक्र बैठे हैं और शुक्र लाभ के कारक हैं, और देखिए सूर्य धन के कारक है, भले ही वो नीच के हैं लेकिन ये कुछ दिनों के बाद स्थिति बदलेगी तो उसके बाद और भी पावरफुल हो जाएगा। इस बार का सूर्य जो है वो नीच का प्रभाव कम फल देगा, कारण क्या है, क्योंकि शुक्र के साथ सूर्य है और ये नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो इसलिए यहाँ आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी और हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा मुनाफा होगा जी। इस दीपावली से लेके अगली दीपावली तक तो ग्रहों की स्थिति आपके पूरे पक्ष में रहेगी, चाहे गुरु हो चाहे शुक्र हो चाहे बुध हो, ये सब आपके फेवर में रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए दीपावली पे चतुर्थ भाव में चार ग्रह हैं तो सुख साधनों की वृद्धि भी होगी, घर लेने के योग बनेंगे, वाहन लेने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी लेनी है, दुकान खरीदनी है, तो ये सब जो योगा योग हैं बहुत अच्छे आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए त्यौहार दिवाली त्यौहार है खुशियों का, रोशनी का, भाईचारे का, एकता का, मैं जी ऐसे में क्या इन्हें उपाय करने चाहिए इस दिवाली के मौके पर? देखिए इस दीपावली के मौके पर आप क्या करें, भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो कर्क राशि वालों की दीपावली जो है और भी शानदार हो जाएगी। थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रहेगा इस दीपावली पे, भाग दौड़ आपकी थोड़ी ज्यादा बनी रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है कि खान पान का ध्यान रखें, नियमित रूप से डाइट लें और लिक्विड डाइट ज्यादा लें, फाइबर ज्यादा लें, ना कि ऑयली फूड, उसी से कर्क राशि वालों को बचना चाहिए, वरना तो फूड पॉइजनिंग इनको जल्दी होती है। इसके अलावा इनको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए तो इनके हर तरह के कष्टों से परेशानी से मुक्ति मिलेगी और दीपावली इनकी बड़ी शानदार जाएगी। मैं जी जैसे कि मैं पूछती हूँ इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय इनके लिए, मतलब कोई एक चीज़ जो आपको लगता है कि इस दिवाली से इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए इस दीपावली से अगली दीपावली तक आपका काम कारोबार ऊंचाइयों पे रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा। हालांकि शनि की ढैया 17 जनवरी से स्टार्ट होगी लेकिन अष्टम भाव की ढैया कुंभ राशि की है तो कोई ज्यादा परेशानी वाली चिंता वाली बात नहीं है जी। लेकिन धन का निवेश सोच समझ कर करें ये मैं कहना चाहूँगा, और अननेसेसरी लॉटरी जुए सट्टे से दूर रहें, किसी को पैसा उधार ना दें, गलत कार्यों में लिप्त ना रहें, वरना तो नुकसान हो सकता है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। पूरा एक वर्ष जो है दीपावली से अगली दीपावली आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहेगी, बहुत ही शानदार रहेगी। चलिए तो ये थे मेरे मयंक शर्मा जी जिनसे मैंने जाना हरी की इस नगरी से यानी कि हरिद्वार से, आप लोगों के लिए इस बार की दिवाली कितनी खुशियाँ लेकर आ रही है, उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली आपके लिए शुभता लेकर आए। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दुर्ग दीजिए इजाज़त, नमस्कार।